पटना शहर को स्मार्ट सिटी बनाने की जो कवायद है और कहा भी जाता है कि पटना स्मार्ट सिटी है, लेकिन अगर शहर के सफाई कर्मी हड़ताल पर चल जाएं, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर, तो आप समझ सकते हैं कि शहर के अंदर, खास करके बिहार की राजधानी पटना में हम खड़े हैं, तो आपको दिखाते हैं कि जब सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं तो पटना शहर में जो कह सकते हैं जो सफाई के लिए बातें होती हैं वो किस तरह चरमरा गई है वो देखिए। ये पटना का पौस इलाका कहे जाने वाला मौर्या लोक है और यहाँ से ठीक बगल में डाक बंगला चौराहा है जो कि पटना का प्रमुख चौराहा माना जाता है। साथ ही साथ इनकम टैक्स गोलंबर आगे आपको मिलेगा, लेकिन पटना की सड़कों पर जो हालात बनी है इस वक्त वो आप देखिए किस तरह से जो मांग की जा रही है, चतुर्थ वर्गीय जो सफाई कर्मी है उनकी मांग है कि समान काम समान वेतन हमें मिले, जिसको लेकर के अनिश्चितकालीन का हड़ताल इस वक्त चल रहा है, जिसको लेकर के देखिए जहां तहां कूड़ा जो है वो फेंका हुआ है। तो इसका अंदाज़ा लगाइए कि आने वाले समय में कहा जा रहा है कि पटना में कई और कार्य होने वाले हैं जो पटना की बिहार की जनता के हित में होगा, लेकिन अगर इस तरह की तस्वीरें निकल के आई तो आप सोच सकते हैं कि पटना में क्या आलम इस वक्त चल रहा है। चूँकि अब बता दें आपको कि सफाई कर्मियों का कहना है कि उनको समान काम समान वेतन दिया जाए और इसको लेकर के ये पहली दफ़ा नहीं है, पटना में इसके पहले भी कई दफ़े सफाई कर्मी हड़ताल पर गए हैं, उनका मांग है, मांग पूरी नहीं होती है। तो नज़ारा यही होता है जो इस वक्त हम आपको पटना की सड़कों से रूबरू करा रहे हैं। पटना का मौर्या लोक का इलाका है और सीधे डाक बंगला इनकम टैक्स के गोलंबर के बीच आता है ये मौर्या लोक और यहाँ पर जो स्थितियाँ बनी हैं वो आप देखिए किस तरह से जो है सफाई कर्मी हड़ताल पर हैं और उसको लेकर के जहां तहां कूड़ा जो है फेंका हुआ है। क्योंकि इसके पहले जब हड़ताल पर कर्मचारी गए थे और अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात हो रही है, इस वक्त देखिए मौर्या लोक कॉम्प्लेक्स में ही इसका ऑफिस भी है और ऑफिस में भी अभी हज़ारों की तादाद में जो सफाई कर्मी हैं वो डटे हुए हैं और अनिश्चितकालीन हड़ताल की बात की जा रही है। तो ये तस्वीरें हैं, बयां करती हैं कि अगर शहर की सफाई कर्मी हड़ताल पर चले जाएं तो फिर नज़ारा क्या होता है वो आपके सामने दिख रहा होगा। हालांकि ये एक जगह की बात नहीं है, आप पटना के अलग अलग जगहों पर जाएंगे, पटना के वो तमाम पौश इलाके जाएंगे जहां प्रमुख चौराहा होता है, वहां पर भी अंबार जो है कचड़ा का वो पड़ा हुआ है, उठाने वाला कोई नहीं, लेकिन अब बस यही मांग है कि समान काम जो उनका किया जाता है उसके हिसाब से उनको समान वेतन मिले, नहीं तो नज़ारे यही होंगे जो इस वक्त सीधे हम आपको दिखा रहे हैं। पटना की जो सड़क है वो लगातार कचड़ों की अंबार से भरी पड़ी है। अब देखना होगा कि ये हड़ताल कब तक जारी होता है। हालांकि हड़ताल के बारे में कहा गया है कि ये हड़ताल अनिश्चितकालीन होगा, जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होती है तब तक यही नज़ारे देखने को मिलेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ, नमस्कार। अजमेर, अजमेर, अरे भाई।